क्यों? तो क्यों वापस फेंका? जिंदा थी, तड़प रही थी। जिंदा थी तो मर जाएगी, तड़प रही थी तो हमें क्या? हमें पैसे मिलेंगे, बताओ मुब्बा को। नहीं नहीं, मत बताना यूसुफ। डरपोक। डरपोक तो नहीं। ए तू देख मैं कैसे जाके मछलियाँ पकड़ता हूँ। ओ बारम, तेरे को बैठने के लिए लाए, उधर इधर आ। आया अब्बा। वो बाल्टी उठा के ला। ओ बारम किधर देख रहा है? कुछ नहीं अब्बा। काम करो। मोती ढूंढ रहा हूँ। मोती? कहाँ है मोती? सीपी में। सीपी में? ना देखा। बेवकूफ पागल, मोती ढूंढेगा तू? तुझसे मछली ढूंढने नहीं जाती, तू मोती ढूंढेगा? ढूंढ लूंगा, एक दिन ढूंढ लूंगा मोती। ये देख ये पैसे। मोती मोती कुछ नहीं होता, पैसा ही है सब कुछ। ये ले हाथ लगा के देख। बू आ रही है मुझे, हर चीज से बू आ रही है। नोटों से कभी बू नहीं आती, समझा तू? बहुत सारी नोट जमा कर रहा हूँ, एक दिन सरदार बन जाऊंगा। सरदार बनेगा फिर क्या करेगा? बहुत सारी बंदूकें लूंगा और गाड़ियाँ भी लूंगा और यू बंदूक चलाऊंगा डस डस। और अगर कोई मर गया तो? तो मर जाए। कितना गोली लगा? पता नहीं। मेरे खुदाया, लगता फिर कोई मार गया। हाँ फिर से झगड़ा हुआ, असला था ना? पता नहीं इतना असला आ कहाँ से जा रहा है, रोटी तो आती नहीं। इन मर्दों को कौन समझाए, हम औरतें नहीं नहीं समझा सकती। इनको लगता है सारी मर्दानगी मौत में, जिंदगी में नहीं। Beautiful. Yes, it is. लोग कैसे हैं यहाँ के? जितनी खूबसूरत यहाँ की जमीन है इतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। खुददार, जाबाज, दिले। मुझे पहले पता होता कितना खूबसूरत है ये इलाका और यहाँ के लोग तो मैं पहले यहाँ आ जाती। देर आई पर दुरुस्त आई। सो गई है जमीन? हाँ रास्ता लंबा था, थक गई है, सो रही है। What do you think? रह लेगी या ना? माँ रह लेगी तो बेटी भी रह लेगी। पापा है सुख खान? Mr. Joy baby, I'm so sorry. Stand the car. अरे यार ये है हमारा घर। मुझे वापस कराची जाना है, ये घर बहुत खराब है। लेकिन बाबा यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे, कराची में नहीं। बाबा के साथ रहना या कराची में? हाँ लेकिन
यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं है। मिल जाएंगे फ्रेंड्स, हाँ मिल जाएंगे, आ जाओ। और तुम्हें पता है चारों तरफ पहाड़ है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, you know that? And there are all sorts of birds. You'll love it. And that's the view. हो जाएगा गुजारा। हाँ, sunset, sunrise देख कर तुम्हारा तो हो जाएगा। आर्टिस्ट हो बट जर्मीना का शायद ना हो। उसका भी हो जाएगा, बस एक दोस्त की जरूरत है उसे। क्यों जर्मीना? मेहरान क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रही सब। माँ, मेरा अब्बा के साथ काम करने का दिल नहीं चाहता। क्यों? मेरे हाथों में से मछलियों का बू आता है। आदत हो जाएगा, यूसुफ भी तो जाता, उसको कोई बू आता है? पर जब भी मैं सबर पड़ता तब भी मेरे हाथों से बू आता है। जहाँ मैं सिपारा पढ़ता हूँ ना, उधर एक स्कूल भी है, बहुत तो बच्चे पढ़ते हैं, उधर पढ़ना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर है? मुझे मछलियाँ नहीं पकड़नी। क्यों नहीं जाएगा मछली पकड़ने? क्यों नहीं जाएगा? अभी छोटा है ना, बड़ा होके तो जाएगा तेरे साथ मछलियाँ पकड़ने। बड़ा होके जाएगा, यूसुफ जाता है, इसको क्या तकलीफ है? अम्मा, ये अम्मा का लल्ला है। सपारा पड़ता है ना तो बदबू आता, मौलवी साहब ने भी मना किया। तेरे को मैंने मना किया, इसको सिपारे में नहीं भेजो। तौबा तौबा, मुसलमान नहीं है तेरा बच्चा, बेदीन रखेगा उसे। एक साल इसको चाय के होटल में बिठाऊंगा, उसके बाद मछली पकड़ेगा। जो काम बाप करता वही बच्चा करेगा। मेरी तरह ये यूसुफ बाप का हीरा हीरा सिपारे पे जाएगा। यूसुफ अब्बा का हीरा है, फिर मैं क्यों? तो ईरा है न मोती, तो लाल है नाक, मेरा लाल। अस्सलामुअलैकुम। ईमान सलामत। सलामत। हुक्म। पानी है यहाँ पे पीने के लिए? पीने के लिए भी और गाड़ी में डालने के लिए भी चाहिए, गाड़ी जरा गर्म हो गई है। वो उधर पीछे ड्रम में पानी मौजूद है। थैंक यू। इन्हें के लिए चाय लाओ। नहीं, ये अभी चाय नहीं पिएगा, अभी ये इधर ड्यूटी पर है। तुम जाओ अपना काम करो, शाबाश।
यूसुफ, क्या कर रहा तू? हवा निकाल रहा हूँ टायर की। क्यों? मेरी मर्जी। मत कर, तेरे बाप की गाड़ी है, नेवी वालों की है। छोड़, शोर मचाऊं? अच्छा अच्छा। तुम चिल्लाए थे, क्या हुआ? सांप देखा था। कहाँ, तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं। जूता पहना कर इस तरह नंगे पांव फिरेगा तो सांप तो काटने आएगा ही। ये कौन से लोग? अफसर बनना पड़ता है इसके लिए। वो कैसे बनते हैं? पढ़ लिख। चलो सांप मिला, वो भाग गया। चलो तुम्हारे लिए गुलाब लगवा रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना? लेकिन ये कब निकलेंगे? जल्दी। अच्छा, मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ। बस यहीं रहना। ओके। कितने दिन में निकल आएंगे? पैराम, मैं जरमीना हूँ। जरमीना, कौन है वहाँ? किससे बात कर रही हो तुम? बहराम, वहाँ तो कोई नहीं है, आओ तुम यहाँ आ जाओ। मेरे कदम पाने पे हूँ, नाम मेरा कहानी में। अम्मा, मैं वर्दी वाला पौजी नहीं बन सकता क्या? बाप के सामने ना ये बात कर देना कभी। मेरा दिल चाहता है मैं पढ़ लिख कर बूट पहनूं, लंबे वाले, और अब सर बन जाऊं गाड़ी वाले। वो आम नहीं बन सकता, हम गरीब है इसलिए। जब जानता है तो पूछता क्यों? चल अब सो जा, सुबह देर से काम पे जाएगा तो सबका तुम्हें नाराज है। चलाया करो, लेकिन मजा ले तुमको हमारी बात का असरो। अगर कल तुम देर से आया तो हम तुमको दुकान से फारग कर देगा, समझा क्या? हमारा दुकान को तुम्हारा बाप का दुकान है क्या? इधर आओ। आया चाचा, जल्दी करो।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईमान सलामत, बस आपकी दुआ है। ये बेगम साहिबा? हाँ, ये मेरी बेटी और मेरी बीवी है। फैमिली ले आयो यहाँ, और आज मेरी फैमिली तुम्हारी चाय पीने आई है, कड़क वाली। हमारा खुश नसीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान सलामत, अभी लाया। तो यहाँ पीने आते हो तुम चाय? हाँ, आते जाते हुए। यहाँ इसी तरह की मसरूफियत है, तुम भी कर लो ये एडवेंचर रोड साइड कैफेटेरिया का। ये जाकर साहब को पेश करो तमीज से, ठीक है? और सुनो, पैसे मत लेना, शाबाश, जाओ आराम से देख। वाह, चाय और ये मौसम। कुछ और चाहिए सब? तुम्हारा नाम बहराम है? जी। तुम आए थे हमारे घर? नहीं, आए थे। क्या हो गया? जमीना टोल्ड मी दैट ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड आवर हाउस। तो ही मस्ट बी गोइंग इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। सिबगतुल्लाह के बेटे हो? नहीं। पढ़ते हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये लो चाय के पैसे। चाय के लिए कहा है कि तोहफा है। तो फिर ये तुम रख लो। नहीं। अच्छा भाई, मम्मी गरीब क्या होता है? गरीब जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो गरीब होता है। बहराम क्यों गरीब है? बहराम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। बहराम क्यों छुप रहे हो? कौन बीमार है? मेरी अम्मा। ये मेडिसिंस हैं, डिस्पेंसरी से मिल जाएंगी और फ्री में मिल जाएंगी। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी बाजी, बहुत मेहरबानी। तुम इसे पढ़ाती क्यों नहीं? लोगों के पास वसाइल नहीं है बाजी। तुम्हें पता है यहाँ नेवी का स्कूल है, फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। बाजी पढ़ता होगा, पर हमारे कबीले से कोई पढ़ता ही नहीं। तुम बहराम को पढ़ा दो, कबीले के बाकी बच्चे भी पढ़ने लगेंगे। हम चलता बाजी। आपने बूट पहने? कभी कभी। मेरे दोस्त बनोगे? मैं लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। क्यों? मेरी अम्मा मना करती है। बहराम भागना मत। क्यों भाग रहे थे? आओ अंदर आओ। बैठो। तुम कुछ खाओगे? नहीं मम्मी, बहराम लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे अब्बा से बात करें। नहीं नहीं, वो मारेगा। क्या करते हैं तुम्हारे अब्बा? वो मजदूर है, कश्ती पे काम करता है। हम करेंगे तुम्हारे अब्बा से बात। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मेरे खिलौने देखोगे?
बहराम कहाँ है? कहाँ है, अभी तो यही था। बाजी साहब के जूते नहीं है। अंदर ले गए होगे तुम? नहीं, मैं तो अंदर नहीं लेकर गया। जूते कहाँ जाने हैं, यहीं होंगे? ढूंढो कहीं, रख के भूल गए होगे तुम। बहराम क्यों चला गया? ये जूते कहाँ से मिले तुझे? रास्ते में मिले थे। कौन से रास्ते पे? अम्मा मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, नेवी वाला लग रहा हूँ ना। संभाल के गिर जाएगा। नहीं गिरता। बेवकूफ, थोड़ी अकल का क्या कर रहा है? बूट फौजी ने दिए। घर के अंदर से मेरे बूट्स गायब हुए कैसे? मेरे सर्विस बूट्स की परवाह नहीं की तुमने, इतनी लापरवाही दिखाई। सर मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढना नहीं है, मिलने चाहिए मुझे, जहां से भी लाओ जाओ। पैनिक क्यों कर रहे हो, बूट्स ही तो हैं। मेरे यूनिफॉर्म का हिस्सा है वो, और इस तरह कोई चीज गायब हुई कैसे? सर वो बूट मिल गए। कहां से मिले? तुम अंदर जाओ। बहुत शर्मिंदा हूं साहब इसने जो किया। हमको जो सजा इसको देना है दो, इससे जो किया हमने नहीं सिखाया इसको। क्यों उठाया था तुमने बूट्स? नेवी वाला बनना चाहता था, यूनिफॉर्म और बूट करना चाहता था। चुप चुप करो, चुप। इस तरह चोरी करके तो नेवी वाला नहीं बन सकते ना बेटा। इन बूट्स को पहनने वालों की बहुत इज्जत ऑनर होती है, और वो ऑनर ये है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, समझे? पढ़ाते क्यों नहीं तुम इसे? हम लोग इधर रिवाज नहीं है पढ़ाने का। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करता है, घर चलता है, पढ़ाने का शौक किधर से पाले? हमको कौन सा अफसर बनना है? क्यों नहीं बन सकते अफसर? शर्मिंदा हूं साहब, ये बूट वापस करने आया था और माफी मांगने आया था। चाहता हूँ चलो रे। सजा के बगैर इसे नहीं जाने दे सकते। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम पढ़ोगे, फिर यूनिफॉर्म और ये बूट्स हासिल करोगे। ओके, शाबाश। वो पढ़ा देंगे तो पढ़ने दे। और कबीले वाले का बातें सुनो, इधर लोग फौज में जाने को पसंद नहीं करते। वो इसलिए कि कबीले से कोई फौज में जा नहीं सकता, वरना अगर किसी का बच्चा अफसर बन जाए तो किसको बुरा लगेगा? तेरे को कैसे पता तेरा बच्चा अफसर बनेगा? अफसर नहीं बनेगा, अफसर का मुलाजिम बनेगा। बूट नहीं पहनेगा, बूट पॉलिश करेगा। गरीब का बच्चा कभी अफसर बने कभी अफसर? किस्मत का पता है कुछ? और कहाँ लिखा है कि हमारा बच्चा अफसर नहीं बन सकता? मेरा दिमाग खराब नहीं करो, इसको पढ़ने के लिए भेजो, खुद रोटी से भी जाओ। हाँ तो मैं कुछ कर लेती। तुम हालत देखा तुमने अपना, तुम काम करेगा? तुम
मर कब जाने मैंने, और तूने भी बस ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा बच्चा मजदूर का मजदूर ही रहेगा। क्या दिमाग खराब नहीं करो, कबीले वालों को कौन जवाब देगा? चलो उठो जाओ यहाँ से, जाओ। तू क्यों पढ़ना चाहता है बेरा? अफसर बनना चाहता हूँ। कोई नहीं बनता अफसर, वह इतने बच्चे पढ़ते हैं, क्या सब अफसर बन जाएंगे? मगर मैं तो बनूंगा। पागल, मुश्किल होती है पढ़ाई, वक्त जाया होता है, इतनी सख्ती करते हैं। तू मेरे और अब्बा के साथ मछलियाँ पकड़ने चला कर, अमीर हो जाएंगे हम। मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे नेवी वाला बनना है। नेवी वाला बनकर क्या करेगा तू? मुल्क की हिफाजत करूंगा। ये किसने कहा तुझसे? मैंने उल्ट सोचा है। पागल, चौकीदार बन जाएगा, बंदूक लेकर बाहर खड़ा हुआ करेगा जैसे फौजी खड़े होते हैं, और मैं बड़ा सा ट्रालर लूंगा मछलियों वाला, मछलियां ही मछलियां होंगे, पैसा ही पैसा होगा, और तू बस फौजी होगा, देखना तू फिर पछताएगा। हो सकता है फिर तू पछताए। तेरे कपड़े, तू भाग जा यहाँ से, तू पढ़ना चाहती है तो भाग के उन साहब के पास जा और उनसे कह कि वो तुझे पढ़ाए। लेकिन अब्बा और कबीले वाले, तो किसी की फिक्र ना कर, मैं सबको देख लेगा। तू बहुत मेहनत करना, बड़ा अफसर बन के माँ के पास आना। वादा वादा, अपना ख्याल रखना। आप भी चल, बहुत बहुत भाग्य आ जा। चुप करो, चुप करो, इधर इधर। तुमने भगाया उसको, तुमने भगाया। हाँ, हमने भगाया। हम काम नहीं करूंगा, हमसे मेहनत नहीं होते। मेरा बच्चा पढ़े। तुम बताएगा कबीले वाले को? तुम बताएगा कबीले वाले को? सबको तुम बताएगा? हम बताएगा, सबको हम बताएगा। बंद करो अपना बकवास। स्कूल में दाखिला करवा दिया है, वो जाने से पहले आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जाओ बेटा। मोहरत का बहुत इज्जत करते हैं, मगर ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। आप सिर्फ दूसरों की औरतों की इज्जत करते हैं या अपनी औरतों की भी? तो ये चोरी के नहीं है। करूं बयां क्या चाहिए छोटे से दिल को सा
चाहिए जज्बा मेरा फानी न हो नाम मेरा कहानी Award of prizes, the overall best midshipman and winner of Sword of Honor, Midshipman Behram. Jinaab! Chota sahi, to kya hua? Mujhko vatan, jo de sada. Na koi yari wari, na koi ghar hoga. धड़कन में यारा बस ये वतन होगा मेरा नसीब है वो सामने क्यों हो रही हैरानियां मेरे कदम पानी पे हो नाम मेरा कहानी बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपके बेटे ने आजाद हासिल किया बल्डा सर बन गया था नहीं बोला गाड़ी भी दिया तुमसे लेकिन बचपन की तरह ना इस पे पत्थर मारना ना टायर पंचर करना टायर भी पंचर कर दे या पत्थर भी मारे मान छोटा भाई कुछ नहीं कहेगा अपनी होती तो कुछ नहीं कहता अमानत है जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा इसकी बड़ी फिल्मी बातें करते हो ये तो फिल्मी बातें कर रहा है ये ले ना रोटी अरे जी रोटी खाऊंगा पेट निकल आएगा फौज में वैसे ही बुरा समझा जाता है तो कोई बात नहीं मेरा बेटा थोड़ी सी दौड़ भाग और कर लेगा फौज में फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है चाहे अफसर हो या जवान बच्चा किस बात का ख्याल रखना फिटनेस का चाहे अफसर हो या कोई भी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है सेहत का तो सेहत के लिए तो और खाना खाओ तो क्यों बनवाया इतना सब कुछ किसके लिए किसके लिए मंगाया यूसुफ ने मंगाया सब यूसुफ बाज अमीर आदमी वो तो है अब मैं इन अफसरों की तरह तनख्वाह पर तो नहीं गुजारा करता हम शादी कर देंगे यूसुफ की ताकि ये भी मेरी तरह करीब हो जाए
आप तो घर भी बना रहे हो सब अपना। अच्छा, जमीन भी खरीदती, घर भी बना रहे। हुआ यूं कि सरदार ने दिया इसको सब कुछ। सरदार बास पसंद करते हैं इसको। खबर दें कि कोयटा में चेक पोस्ट पर ग्रेनेड का हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 15 अफराद जहां भाग हुए हैं और जहां भाग होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। मेरा बस सिर ने इन सबको फांसी चढ़ा। मुल्क सोगवार है, उन्होंने बलूचिस्तान के साथ ये हाथ किया। मुझे समझ नहीं आता इतना असला इतना बारूद आता कहाँ से इनके पास। हर बार ये बाकी चीजें स्मगल होती है, उसी तरह असला भी स्मगल हो जाता। कारोबार है, इन चीजों से लोगों की जान जाती है, वो 4 पैसों में खरीदना कारोबार है। फौज पे तो हमला कर रहे हैं, मगर आम लोग मर रहे हैं। और जहां तक फौज का सवाल है, फौज अपनी हिफाजत कर सकती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। शहादत उसके लिए ताज है, जंग एजाज। अच्छा भाई, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? खाना तो खाओ। ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, मैं जज्बाती ना हूं? बाबा बिल्ले अपना बिल्ले, ये बात छोड़ो, सरदार बुला रहे हैं, कब जाएगा सरदार के पास? हमको बड़ा फख्र है कि आज हमारा कबीले का एक शख्स फौज में बड़ा अफसर बनकर गया है। अब फौज में हमारा कबीले का शख्स होगा तो सारे कबीले का ख्याल रखेगा। सरदार नेवी का कोई कबीला थोड़ी होता है, नेवी का तो फर्ज होता है पूरे मुल्क की हिफाजत करना। हिफाजत तो वो सब करता है, लेकिन अपने लोगों का अपने कबीले का तो थोड़ा ज्यादा ख्याल करेगा ना। बिल्कुल, सरदार नेवी के लिए पाकिस्तान पूरा एक इलाका है और ये कौम अपना एक कबीला है। मैं तो खुद नहीं जानता कि कौन अपना है और कौन पराया, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर कभी किसी ने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की तो चाहे वो इंसान मेरे कबीले का हो, मैं ना उसका साथ दूंगा ना उसे बख्शूंगा। अब वो मैंने आपको बताया था ना कि बराम को फिल्मी बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन अपनों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। नेवी में जाकर अकड़ तो आ जाती है ना। सरदार बात अकड़ की नहीं है, बात तो बात इज्जत नफ्स की है, जो कि हर इंसान की होती है, चाहे वो सरदार हो या ना हो। सरदार कई गुलाम है, सारा जिंदगी तुम्हारा गुलाम रहेगा। गुलाम तो मैं सिर्फ अपने मुल्क की मिट्टी का हूं बाबा, मैं माँ बाप का भी नहीं, तो इन सरदार का क्यों? सरदार आप इस कबीले के बड़े हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और हमेशा करूंगा एक बड़े होने के नाते, और आपकी हिफाजत करूंगा एक नेवल अफसर के। क्या जरूरत थी सरदार से बहस करने की? वो जो कह रहे थे चुपचाप सर झुकाकर मान लेते। नेवी ने मुझे सर झुकाने की तरबियत नहीं दी है, सर कटवाने की तरबियत दी है। याद है बचपन में तुम सीपीओ में से मोदी ढूंढा करते,
हाँ बेवकूफी थी वैसे, मगर मैंने एक चीज रियलाइज की है, मोती ढूंढने से बेहतर है लाल बनना, माँ का भी और कौम का भी। लाल? अच्छा उस पत्थर की बात कर रहे हो जो कीमती नायाब और सुर्ख होता है। पैसे हो तो खरीदा भी जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन खरीदने से ज्यादा दिलचस्पी मुझे लाल बनने में। नेवी ने बहुत बातें करना सिखा दी। नेवी ने मुझे मोती से लाल बनना सिखाया। लाखों हीरो में और एक लाल में बहुत फर्क होता है। उन लाखों हीरो में एक लाल लाल होता है क्योंकि दूर से नजर आता और याद रह जाता है। अब तू कहेगा मैं फिल्मी बातें करता हूँ। फिल्मी बातें करने की तुम्हारी आदत हो गई, इसलिए अब नहीं कहूंगा। अरे सब लेफ्टिनेंट साहब कहाँ से आ गए? सुना है सोर्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद आपका दिमाग घूम सा गया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पे। वो अलग बात है, आपने मुझे मुबारकबाद दी थी। मैं क्यों दी थी मुबारकबाद? मैंने कौन सा खाना खा लिया, कौन सी मिठाई खा ली है? तो जब आप बोले, जब आप कहें मिठाई खाते हैं, जब आप कहें खाना खाते हैं। लेकिन आप तो लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करते ना। आपसे कर सकते? मुझसे क्यों, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। कौन है, किससे बात कर रही हो? तुम हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी ना? अम्मा बहराम आया है, खाने की दावत दे रहा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं चाह रहा था आंटी आप सबको खाने पे ले जाओ। मैं सबकी बात कब हुई थी? आपने तो कहा था आप सिर्फ मुझे खाने के लिए लेके जाएंगे, मुझे मिठाई के लिए दावत दे रहे थे। इसका मुझे पता है, तुम जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा है, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह। आओ तुम अंदर आओ। तेरे ख्वाब सारे साहिल पे आ जाए, सिपियों में छुपा जो वो हमें मिल जाए। कैसे करूं बयां, हुआ क्या चाहिए छोटे से दिल को सब चाहिए। जमीना रोज पूछती थी तुम्हारा कि कराची कब आ रहे हो, हमारी तरफ कब आओगे। आंटी मैं तो आ जाया हूँ और आते साथ ही सबसे पहले आपसे मिलने आ गया। तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा हुआ है, तुम्हारे पासिंग आउट में जाते हुए भी भूल गए थे ले जाना। अभी बस गाड़ी में रखवाती हूँ, वरना फिर कहेगी वो मुझसे। हेलो, आपने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया? नहीं तो आपसे बात करते हुए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आपको हर चीज पहले से पता होती है। थैंक यू। ये तंज था या तारीफ? आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तंज मैं आप पे कर नहीं सकता और तारीफ करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वैसे अंकल आंटी का शुक्रिया अदा कर लिया था मैंने, मैं चाह रहा था आपका भी शुक्रिया अदा कर दूं। किस बात का शुक्रिया? अगर आप एल्बम का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसलिए दी कि आपकी फैमिली के पास जाए, आपकी अच्छी यादें जो वहां
और पापा को हम तस्वीरें भेजते थे जो खींचते थे वो सारी इकट्ठी करती थी मैं इस एल्बम में। अरे मैं तो भूल ही गई, किस चीज का शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे आप? अगर मैं आपसे ना मिला होता 15 साल पहले अगर मेरे गेट पे रुक के अगर आप मुझसे मेरा नाम नहीं पूछी तो आज मैं कुछ भी नहीं होता, आराम किसी चाय के खोके पर होता। तो सेंटिमेंटल तो नहीं थे आप जैसे आप बात कर रहे हैं, और उसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर आप इतने स्मार्ट और गुड लुकिंग ना होते तो मैं आपको दरवाजे पे दोस्ती की ऑफर ही ना करती। हाँ ये बात तो है, वैसे थोड़ा सा तो गुड लुकिंग हूँ मैं, है ना? मैं आपके बचपन की बात कर रही थी, बचपन में ही थे आप खूबसूरत। वो आपको अच्छा नहीं लगता? पता नहीं, आपकी तस्वीर को देखूंगी गौर से दोबारा। तस्वीर की बजाय मिल भी सकते हैं, आप सामने बैठ के भी देख सकती है मुझे। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास सब लेफ्टिनेंट साहब, सारे डॉक्टर्स आप लोगों की तरह फारिग नहीं होते। हाउस जो बहुत टफ है मेरी, घुमा के रखती है। रेजिडेंसी अप्लाई कर रही हूँ अमेरिका, आप आया करना मेरे पास। मैं क्यों आऊंगा आपके पास? नहीं सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी, आप और आपकी वाइफ। वाइफ वाला कोई सीन नहीं है, कभी ना कभी तो होगा ना, जब हो तो आप आ जाना। क्यों देख रहे हैं? दावत ही दी है मैंने अमेरिका की। कभी आपका भी चक्कर लगे तो आ जाएगा मेरे यूनिट में। मेरा चक्कर वहां क्यों लगेगा? अब शौक नहीं रहा कोस्टल लाइंस और बीचेस का। वैसे आप गुड लुकिंग हैं। सॉरी आप गुड लुकिंग हैं। मैं समझा नहीं। आपने खुद ही कहा था ना कि सामने बैठ के देख लीजिएगा, तभी बता रही हूँ कि अब भी आप थोड़े से गुड लुकिंग हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। एक तोहफा है आपके लिए, मैं आया हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मगर प्लीज खफा मत होइएगा। ऐसा कौन सा तोहफा जो मुझे खफा कर दे? दिस इज नाइस, कीमती है ना, चीप तो नहीं। ये तो आप देखकर बताइएगा। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इस तरह तोहफे देने के बजाय मुझे खुद प्रपोज कर दो? इस तरह अंगूठी देके मुझे कह रहे हो कि पसंद है तो भी बता दो और ना है तो भी रख लो, कोई ऐसे किसी को कैसे प्रपोज कर सकता है? ये
मुझे क्या है? मतलब सीरियसली? कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। पूछना चाहिए उससे या ना पूछूं भी? तोहफा तो देख लिया होगा उसने खोलकर। मैसेज करता हूं। आपने मेरा गिफ्ट देख लिया है क्या? आप मामा और बाबा से मिलने आए होंगे, वो घर पे नहीं। जी वो मुलाजिम ने बताया मुझे। तो कुछ नहीं, माजरत करने आया था आपसे। तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, या तो आप शुक्रिया अदा करने आ जाते हैं या माजरत करने आ जाते हैं। किसी और काम के लिए नहीं आ सकते आप? किसी और काम के आने के लिए आपने मौका ही नहीं दिया। या तो मैं बेवकूफ हूँ या आप जरूरत से ज्यादा ही चला। समझा नहीं। देखिए मैंने आपको कहा था अगर आपको मेरा तोहफा बुरा लगे तो तोहफा समझ के रख लीजिएगा, बस कुछ और मत समझिएगा। कुछ और क्यों समझूंगी मैं? और उस डॉल्फिन से करूंगी क्या मैं? हाँ, और डॉल्फिन देता कौन है किसी को तोहफे में? डॉल्फिन? मैंने कोई डॉल्फिन नहीं दिया आपको। बाप झूठ बोलेंगे। आपको लगता है कि ये दिया ये डॉल्फिन है? डॉल्फिन कोई अंगूठी नहीं। This is ridiculous. ये डॉल्फिन नहीं, सबमरीन है। क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ा बहुत मजाक करने से भी हर्ज तो नहीं होता ना? Once a sailor, always a sailor. मैं इसको तोहफा समझूं या फिर?
मैं कमिंग सर। यस प्लीज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू द यूनिट। थैंक यू सर। जेंटलमैन, दिस यूनिट इज योर न्यू होम एंड योर न्यू फैमिली। यू हैव टू सर्व दिस यूनिट नॉट लाइक एन ऑफिसर बट लाइक अ फैमिली मेंबर। आई विल सर। आपको इस कॉम ने इस मुल्क की समुद्री और साहिली हदूद की दिफा की जिम्मेदारी सौंपी है और इस मुल्क की समुद्री और साहिली हदूद की दिफा अब आपको अपनी जान देकर भी करना है। यस सर। नेवी इज मल्टी डायमेंशनल फोर्स। हम पानियों के दुश्मन से खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। यस सर। हम जेरे आपके दुश्मन के रास्ते में लोहे की दीवार बनकर खड़े। यस सर। दलदली पानियों में दुश्मन हमें मौजूद पाए। हम इस समंदर के ऊपर फैले आसमानी हदूद के भी निगेबान हैं। दुश्मन की चिड़िया भी हमारे होते यहाँ पर नहीं मार सकती। इस मुल्क के लिए जान लेना फर्ज है और इस मुल्क के लिए अपनी जान देना हम पर। यस सर। टीएमएसएस से इत्तला मिली है कि एक ट्रॉलर असलहे की बहुत बड़ी खेप लेकर समंदर से गुजर रहा है। हमारे जहाज ने इस ट्रॉलर को आइडेंटिफाई करते हुए इंटरसेप्ट करना है और अपोज बोर्डिंग के लिए तैयार रहना है। सो हमारी बोर्डिंग टीम शुड बी रेडी। बोर्डिंग करते हुए हमें बहुत एहतियात करनी है। ऑपरेशन की सपोर्ट के लिए हमारा सीकिंग हेलीकॉप्टर इन एयर होगा जो स्नाइपर कवर देगा। सो आर वी रेडी? Okay, may Allah be with us all. Captain? Sir, there is a fast moving contact on bearing 0810 nautical mile, sir. Roger. This is Shark. Target sighted. Bearing 230 range, 6 nautical miles, speed 15 knots. This is Captain, go ahead. Sir, the target has 7 tangos, apparently heavily armed. Roger. Romeo 2, provide fire. Romeo 2, provide fire. Allahu Akbar. Sir, this is Black Zero. Alpha team on board receiving enemy fire. Two tangos down, Black Zero. This is Shark 2. Tango dumping weapon in sea on starboard side. Roger. Move! All clear, sir. All clear. I repeat, all clear, sir.
फरहान, हमारा भाई है। तो ये तेरी कामयाबी, तेरा सरमाया। तेरा भाई ये सब गन नीचे कर, ये सब गन नीचे कर, ये सब तू रख ले, मुझे जाने दे, मैं इन सबको मार भी दूंगा। बस करना कर, नेवी वालों को पता भी नहीं चलेगा, तू बस मुझे जाने दे। अफसोस होता है तेरी सोच पे, सर्विस है ये मेरी, नेवी है मेरे, अपने लोग हैं, खून है मेरा, कोई कारोबार नहीं है। मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। तुझे वार्न कर रहा हूँ, गन नीचे कर, तेरे से नहीं हो पाएगा भाई। है ना, तू ऐसा कर, तू इनको मार दे, इनको मार दे मुझे, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा गन नीचे कर, मैं गोली चला दूंगा, इनको मार दे, गन नीचे कर, गन नीचे कर, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, गन नीचे कर। ये तेरे से नहीं बोलते, बुझते ले तो जैसे मारेगा तू अपने भाई को। इस मुल्क के लिए जान लेना फर्ज है, और इस मुल्क के लिए अपनी जान देना हम पर फर्ज है। अजनबी से लगते हो, बचपन का साथ था, यारी पे यारा तेरी कितना ईमान था, वक्त का ले आया ये वास्ते, जो हो रहा है यारा सब ख्वाब थे। Three tango down, two injured. Mission accomplished, sir. Allah Akbar! Allah Akbar! Pakistan never! Jindabad! Pakistan! Jindabad! बहुत समझाया था तेरे भाई को,
तो जता ही नहीं सकता, वो अपनी माँ की नहीं सुन सकता। माँ ने भी रोका, नहीं माना। चल हमको लगता था यूसुफ हमारा ही रहे, मगर नहीं, तुम्हारा मां ठीक बोलता था, तुम मां का लाल है। इस कौम का लाल है, मेरे कदम पानी पे हूं, नाम मेरा कहानी में हूँ, तैरते ख्वाब सारे साहिल पे आ जाए, सिपियों में छुपा जो वो हमें मिल जाए, कैसे करूँ बयां क्या चाहिए, छुपे से कर तो सब चाहिए, जज्बा मेरा फानी न हो, नाम मेरा कहानी में। वाले जूते कहाँ से मिलते हैं? ये खरीदे नहीं जा सकते, पढ़ लिख कर मिलते हैं। तुमको चाहिए? छोटा सही तो क्या हुआ, मुझको वतन जो दे सदा, ना कोई यारी वारी ना कोई घर होगा, दिल की धड़कन।